बीजेपी के धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कृषि बिल पर विपक्ष के हमले पर पलटवार किया है। अपने आवासीय कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए कृषि सुधार विधेयक लाया है, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान बिचौलियों से मुक्त हो। राज सिन्हा ने सूबे की हेमंत सरकार पर हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य सरकार के उस प्रस्ताव का विरोध किया है जिसमें कोविड के नाम पर 10% सेस लगने की अनुशंसा करने की बात कही गई। जो आज तक किसान दबे कुचले थे, जो सहमे हुए थे, जो खुलकर अपने प्रोडक्ट का, अपने उपज का, अपने पैदावार का मार्केटिंग नहीं कर पाते थे, वे अब खुलकर किसी सीमा में बंध कर नहीं, किसी बिचौलिए के साथ बंध कर नहीं, खुल करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यापार को करेंगे। इसका बहुत बड़ा, इस प्रकार से बहुत बड़ा राहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कृषि सुधार विधेयक के मार्फत से दिया। जनधन खाता के अंदर मिला, चावल दाल और चना के देने के अलावा उनके रोजमर्रा के खर्चे के लिए सरकार दे रही है। तो केंद्र सरकार तो काम कर रही है पूरी तन्मयता के साथ लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन राज्य सरकार हर फ्रंट पर फेल है। कोई विकास के काम, जितने भी विकास के काम है, वो सारे काम ठप है, एक भी विकास के काम नहीं हो रहे। और केवल कोविड के नाम पर अभी एक सरकार ने एक बिल लाया, मैंने उसका विरोध किया हालांकि, और उसमें है कि कोविड के नाम पर वे टेस्ट लगाएंगे।